हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। जैसे कि आप जानते हैं कि निदा यासिर ने वायरल गर्ल को, जो टिकटॉकर भी है, आयशा को अपने शो में बुलाया था और लाइव इस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस करवाई। इवन के जो डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट आए थे वो भी उसके साथ डांस करने लग गए, साथ में लाइव उन्होंने परफॉर्मेंस की उस लड़की ने भी। तो सबने बहुत इस चीज पे एतराज किया कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे इस्लाम में डांस नहीं है। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा एतराज किया है इस चीज को। और निदा यासिर ने जो माशाल्लाह कहा, इस तरह से अगर लड़कियां डांस करने लग जाएंगी तो किसी भी दूसरे मुल्क में और किसी दूसरे मजहब और हमारे मुल्क में क्या फर्क रह जाएगा। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं निदा यासिर को, बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म निदा यासिर को फेस करना पड़ा है और उनका शो भी खतरे में चला चुका है। तो अब लोगों का कहना यह भी है कि मुसलमान मुल्क में कि ये लड़की के बारे में जैसे कि अब अफवाहें भी फैली हैं, और कितनी हद तक ये बात सच भी है कि इसने 2-4 दिन में ही 2-3 करोड़ कमा लिए हैं सिर्फ डांस करके। इस तरह से तो कोई भी लड़की उठेगी और यही सोच के अगर ये एक मिसाल इस तरह की बन जाएगी, क्योंकि अब लोग एतराज कर रहे हैं कि इस तरह के शो बंद होने चाहिए। पहले एक लड़की वायरल हुई थी पार्टी गर्ल, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहने की वजह से वायरल हुई थी, उस पर इतना इशू नहीं बना था। लेकिन अब निदा यासिर ने जो किया है वो लड़की से लाइव डांस करवाया है, लाइव परफॉर्मेंस करवाई है, जिसका लोगों ने बहुत बुरा माना है। पैमरा ने नोटिस ले लिया है, अब देखते हैं पैमरा इस पर क्या डिसीजन लेती है। और अब निदा यासिर के लिए बहुत परेशानी का मसला है क्योंकि उनका शो बंद भी हो सकता है। ऐसे मजीद मालूम के लिए देखते रहिए चैनल की। लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।